टेंडर ओपन करने लगे हैं जिसके अंदर गाड़ियाँ हैं, कौन कौन से मॉडल हैं और कौन कौन सी गाड़ियाँ होंगी जो फ्रेश इम्पोर्ट है। माशाल्लाह पहला गाड़ी तो भाई मिनी कूपर है, यहाँ पे देखें ये मिनी कूपर है और ऊपर जो है ना वो हुंडई का मॉडल है। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और नईम भाई भी ठीक ठाक होगा। दुआएं आप सब दोस्तों की। और नईम भाई, आज का जो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया ना वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि अमेरिका से गाड़ियाँ कैसे आती हैं, क्या तरीकाकार होता है, कंटेनर के अंदर गाड़ियाँ कितनी होती हैं, सारी चीज़ें आप लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले। आप लोग चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल ऑन कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी पहुँचता रहे। यहाँ पर कंटेनर आ रहा है, ये लोग गाड़ियाँ है ना निकाल रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये कंटेनर लगे हुए हैं और अंदर से गाड़ियाँ जो है ना वो निकाल रहे हैं, क्योंकि फ्रेश इम्पोर्ट आ रही है। गाड़ियों को ना आगे पीछे करने का सिलसिला जो है ना वो चल रहा है। आप लोग देख सकते हो कंटेनर से वो यहाँ पे कंटेनर हैं और उधर से गाड़ियाँ फ्रेश जो है ना वो अभी निकाल रहे हैं। ये नुकवा कार ऑक्शन है और संडे के दिन ऑक्शन होने वाला है, जिसमें बड़ा ऑक्शन होगा और अराउंड 150 प्लस गाड़ियाँ होंगी जो कि आप लोगों को मिलेंगी चीपेस्ट प्राइस में, मार्केट से बहुत सस्ती मिलेंगी, क्योंकि अमेरिकन इम्पोर्टेड गाड़ियाँ होती हैं। यहाँ पे देखें RX के मॉडल भी हैं, निसान के भी हैं, हर तरह का गाड़ी अवेलेबल रहता है जो कि आप लोगों को बहुत सस्ती सस्ती मिलने वाली ऑनली इन अल नुखबा कार्स ऑप्शन शारजा में। तो बाकी ये लोग गाड़ी निकाल रहे हैं, मैं उधर चलता हूँ, आप लोगों को बाकी जो गाड़ियाँ हैं वो दिखाता हूँ कि कौन कौन से मॉडल हैं और कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पे आज आई हुई हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोगों ने वीडियो जो है ना वो थोड़ा आराम सुकून से देखना है ताकि आप लोगों को हर बात हर चीज़ क्लियरली समझ आ जाए कि क्या क्या तरीक़ाकार है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर ये सब अमेरिकन इम्पोर्ट गाड़ियाँ खरीदने का। दोस्तों मैं उधर से अभी इस साइड में आ गया हूँ, एक साइड से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जो है ना एक एक गाड़ी और डिटेल जो है ना वो बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे देखिए ये वाला जो गाड़ी है ना ये किया ऑप्टिमा का मॉडल है, या यस हाँ किया ऑप्टिमा है, आई थिंक 2020 का मॉडल होगा ये। और ये जो गाड़ी है भाई फुल ब्लैक कलर के अंदर है, माशाल्लाह ज़बरदस्त गाड़ी है। आप लोगों को यहाँ पर कलरफुल गाड़ियाँ और डिफरेंट मॉडल डिफरेंट प्राइस में मिलती हैं, लेकिन ये वाला जो गाड़ी है ना भाई डिस्कवरी का मॉडल है, रेंज रोवर। रेंज रोवर भाई फिर एक ब्रांड है भाई जो कि बहुत ज़बरदस्त और एक बड़ा गाड़ी है, ये मुझसे भी बड़ा होगा, हाँ मेरे कद से बड़ा होगा, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। और ये डिफेंडर का मॉडल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिफेंडर जो है ना वो फर्स्ट एडिशन है, यानी कि फर्स्ट एडिशन का डिफेंडर है। और इसके ऊपर छत के ऊपर जाने के लिए यहाँ पे ये सीढ़ी भी लगा रखी है, क्योंकि ये गाड़ी मुझसे बड़ा है। इस गाड़ी के ऊपर जाने वाला नहीं हूँ, वैसे बोल रहा हूँ कि ऊपर जाने के लिए जगह बनाया हुआ है, मुझसे थोड़ा हाइट में ज़्यादा गाड़ी है और बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है माशाल्लाह। जो नुखबा कार ऑप्शन है ना अमेरिकन इम्पोर्टेड गाड़ियाँ आप लोगों के लिए लेके आता है, जो कि आप लोगों को मिलती हैं मोस्ट चीपेस्ट प्राइस में। यहाँ पे इस गाड़ी का जो कलर है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, येलो कलर के अंदर मोस्टैंग का मॉडल है। और अभी ये गाड़ी कंटेनर से निकाल निकाल के लेके आ रहे हैं, क्योंकि संडे को ऑक्शन होने वाला है। तो आप लोगों ने हर संडे को ऑक्शन होता है, लेकिन हफ्ते में 3 दिन ऑक्शन रहता है, संडे को मंडे को नहीं होता, ट्यूसडे होता है और उसके बाद जुमेरात को होता है। हफ्ता में वीकली 3 दिन ऑक्शन होने लगता है, लेकिन संडे के दिन बड़ा ऑक्शन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी के अंदर गाड़ियाँ आती हैं। जी हाँ डिफेंडर है ना, डिफेंडर तो भाई फिर डिफेंडर है, बहुत ज़बरदस्त और एक पावरफुल गाड़ी है भाई, जिसको मट्टी में ले जाओ, पहाड़ों में ले जाओ, किधर भी ले जाओ, कुछ टेंशन नहीं होने वाला आप लोगों को भाई, क्योंकि रेंज रोवर का ब्रांड है और एक पावरफुल गाड़ी है। खैर यहाँ पे देखें ये फोर्ड का मॉडल भी आया हुआ है और एक रेंज रोवर तो इधर भी लगा हुआ है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह, जो कि वाइट कलर के अंदर है। रेंज रोवर लैंड रोवर का मॉडल है और ये सुपर चार्जर का मॉडल है, चार्जर्ड यार ज़बरदस्त गाड़ी है, रेंज रोवर का मॉडल है और एक पावरफुल गाड़ी आती है रेंज रोवर। तो फिर अंदर से शायद ये लॉक होगा, मैं शायद देखता हूँ, अगर खुला हुआ हो तो खुला है माशाल्लाह। और अंदर से माशाल्लाह ब्यूटीफुल इंटीरियर है, फुल ऑप्शन सनरूफ पैनोरामिक के साथ आप लोगों को मिलेगा संडे के दिन ऑक्शन में। शाम को ऑक्शन होगा, खैर मैं नुखबा कार ऑक्शन का जो है ना डिटेल फ़ोन नंबर वगैरह लोकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये है जी रेंज रोवर का मॉडल है और ब्यूटीफुल कार है, विदाउट एनी सिंगल स्क्रैच, एक स्क्रैच भी नहीं नज़र आ रहा गाड़ी के अंदर, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। और माशाल्लाह यहाँ पे तो RX भी आया हुआ है, RX जो है ना वो 350 का मॉडल है, लेक्सस का है, लेक्सस फिर भाई लेक्सस है जो कि वाइट कलर के अंदर है माशाल्लाह। और गाड़ी का रिम चेक करें जो कि ज़बरदस्त है और गाड़ी डैमेज किधर से, ये थोड़ा सा डैमेज है इसका सामने से, जस्ट एक डोर लगा हुआ है और ये थोड़ा काम है, बाकी गाड़ी एकदम ओके लग रहा है। खैर मैं इसका मॉडल वगैरह भी देखता हूँ अंदर जाके, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने लेक्सस RX का मुझे बोला हुआ है कि उसको चाहिए। खैर यहाँ पे देखें ये टोयोटा प्रियस हाइब्रिड का मॉडल है, ब्लू कलर के अंदर है और सामने से ये थोड़ा लगा हुआ है और पीछे से गाड़ी एकदम ओके है
उधर देखते हैं तो उधर बाइक है भाई, वो देखें ये कार प्लस बाइक ऐसा बोलते हैं इसको, जो कि ये लोग उठा रहे हैं। खैर माशाल्लाह ये वाला जो गाड़ी है ना, ये टोयोटा प्रियस हाइब्रिड का मॉडल है। हाइब्रिड की ब्रांडिंग जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल में चलने वाली गाड़ी है। जी हाँ, गाड़ी को अंदर से देखें, ये अभी फ्रेश इम्पोर्ट करके मैं उधर देख रहा था, ये लोग कंटेनर से निकाल रहे थे। और गाड़ी के अंदर से अभी जो स्मेल है ना, वो सेम लाइक न्यू स्मेल आ रही है। जैसा गाड़ी के अंदर स्मेल आता है ना ब्रांड न्यू का, वैसा स्मेल आ रही है। इसका गियर है देखें, ये छोटा सा गियर है इसका, और ये फुल ऑटोमेटिक है, फुल ऑप्शन है, लेकिन सनरूफ तो नहीं है भाई। इसको किधर लेके जाएगा, मेरे ऊपर नहीं फेंक देना। देखें यहाँ पे ये कार टाइप बाइक है जो कि आ गया हुआ है, ये है नुकबा कार ऑप्शन। यहाँ पर जो है ना गाड़ियाँ लेके आता है ना आप लोगों के लिए, वो एक नेक्स्ट लेवल की होती है। और आप लोगों को एवरी वीक, हर वीक के अंदर 3 दिन ऑप्शन लगता है भाई, 3 दिन ऑप्शन होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया हुआ है कि संडे के दिन ऑप्शन होता है और मंडे को नहीं होता, ट्यूसडे को फिर हो जाता है, ट्यूसडे को और उसके बाद थर्सडे को, यानी कि जुमेरात को। आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। आगे चल के मैं आप लोगों को और भी गाड़ियाँ दिखाता हूँ जो कि ज़बरदस्त हैं। आप लोग आएँ और सस्ती गाड़ी खरीद के लेके जाएँ। इन गाड़ियों को आप लोग बिजनेस भी कर सकते हो और अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी गाड़ी ले सकते हो। बहुत से लोग डरते हैं कि शायद एंट्री फीस होगा, एंट्री फीस बिल्कुल नहीं होता। आप लोगों ने फ्री में एंट्री देना है, फ्री में एंट्री दे के। और नुकबा कार ऑप्शन की एक और खासियत है, बात है कि ये लोग जो है ना प्राइस 5-6 हज़ार नहीं रखते हैं, गाड़ी का जितना प्राइस है ये लोग फाइनल रखते हैं, ताकि आप लोग आओ और एक बिट के अंदर आप लोग गाड़ी विन कर सकते हो। बाकी वो डिपेंड करता है कि कितने लोग आए हुए हैं और कितनी बिट ऊपर जाएगी। ये लोग अपनी तरफ से फाइनल रेट लगाते हैं, ग्रीन लाइट छोड़ते हैं भाई, इसके ऊपर जो बिट करेगा गाड़ी उसको मिल जाएगा। बाद में लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग कितनी बिट ऊपर लेके जाते हैं। तो आप लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करके और बिट के अंदर, ऑक्शन के अंदर, जैसा हमारे इंडिया पाकिस्तान में सब्जियों को बोली लगता है ना, ऐसे ही यहाँ पे गाड़ियों का बोली लगाया जाता है। खैर आज हम लोग गाड़ी देखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। हम गाड़ी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ना, वो ये मर्सिडीज़ का मॉडल है। मर्सिडीज़ तो भाई फिर मर्सिडीज़ है, जो कि एक नेक्स्ट लेवल का गाड़ी है और पावरफुल गाड़ी है। गाड़ी के रिम चेक करें जो कि बहुत ही ज़बरदस्त दिए गए हैं। और गाड़ी को अगर हम लोग अंदर से देखते हैं तो भाई फिर क्या ही बात है, अंदर से माशाल्लाह वेरी नाइस ब्यूटीफुल कार है, बहुत ज़बरदस्त। और फुल पैनोरामिक सनरूफ लगे हुए हैं इस गाड़ी के अंदर। और एक लेवल का गाड़ी, जिसको बोलते हैं ना कि भाई लेवल, इसको बोलते हैं कि भाई एक नेक्स्ट लेवल का गाड़ी है। और ये ई क्लास का मॉडल है, E300 का। जी हाँ, मर्सिडीज़ का है। खैर यहाँ पे गाड़ियाँ और भी बहुत क्वांटिटी के अंदर पड़ी हुई हैं, समझ नहीं आता कि कौन कौन सा गाड़ी आप लोगों को दिखाऊँ। यहाँ पे आप लोगों को अल्टीमा भी मिल जाएगा। और देखें ये गाड़ी चेसिस होके है, बस एक साइड लगा हुआ डैमेज है बस। इसी तरह यहाँ पर ये क्रेसलर पड़ा हुआ है जो कि रॉयल ब्लू कलर के अंदर अंदर आ रहा है, बहुत पावरफुल और एक बढ़िया गाड़ी है। अमेरिका में इन गाड़ियों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि भाई उनको मालूम है कि लॉन्ग रूट्स के ऊपर ऐसी जो गाड़ियाँ ना वो मज़ा करती हैं। जी हाँ, यहाँ पे देखें ये भी एक लग्जरी गाड़ी है। ये है गाड़ी का गियर, जस्ट इसका बटन ही इसका गियर है। माशाल्लाह ज़बरदस्त गाड़ी है, ब्यूटीफुल कार है। जो कि यार यहाँ पर देखें ये येलो कलर की गाड़ी है ना, डोज चैलेंजर का मॉडल, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह। दो चैलेंजर का है और 2018 का मॉडल है, 35,000 में इसका स्टार्टिंग प्राइस है, 2018 का मॉडल है। और एक पावरफुल गाड़ी है ना भाई, मस्त लग रही है। खैर आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी एक उधर मर्सिडीज़ खड़ा हुआ था, मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। यहाँ पे भी ये भी मर्सिडीज़ है, रेड कलर के अंदर गाड़ी एकदम लाल है भाई, विदाउट एक्सीडेंट, जस्ट हल्का सा भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हल्के फुल्के स्क्रैच लगे हुए हैं, ये नॉर्मल है भाई। ये वाला जो गाड़ी है ना, ये कौन सा है, ये भी ई क्लास का मॉडल है, E350 का। लेकिन ये वाला जो मर्सिडीज़ है ना, ये फॉर्मेटिक के अंदर है माशाल्लाह। यहाँ हम देखें मर्सिडीज़ जो है ना वो आप लोगों को बहुत सस्ती मिल जाती है। C300 का मॉडल है, सी क्लास का, और फुल पैनोरामिक है, आप लोगों को मिलेगी नुकबा कार्स ऑक्शन में। यार इतनी ज़बरदस्त और लग्जरी गाड़ियाँ है ना। खैर ये लॉक है, अंदर से मैं आप लोगों को इधर से दिखाता हूँ। देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त इंटीरियर है, ब्यूटीफुल, जो कि एक लेवल जो होता है ना, लेवल की गाड़ियाँ जो कि क्या बोलते हैं, ब्रांडेड गाड़ियाँ जो होती हैं ना, वो नज़र आ रही हैं। यहाँ पे जो है ना भाई, UAE का मोस्ट पॉपुलर और फेवरेट कार जो है ना, वो कैमरी है भाई। कैमरी और लेक्सस को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कैमरी वाले जो है ना, वो सामने आ जाए, मैं आप लोगों को कैमरी दिखाता हूँ कि कैमरी की कंडीशन और प्राइस। तो खैर अभी नहीं लगाया, क्योंकि कल ऑक्शन होने वाले, तो कल ये लोग प्राइस वगैरह लगा देंगे। कैमरी जो है ना भाई, कैमरी को UAE में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, चाहे वो 2002 का मॉडल हो,
टू से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरा जो कैमरी है ना, कैमरी का जो मार्केट है वो आज भी बरकरार है। खैर ये गाड़ी है, अंदर से हल्का फुल्का मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन स्मेल ऐसा आ रहा है जैसा कि गाड़ी बिल्कुल नया गाड़ी है। बेहतरीन है, फुल ब्लैक कलर के अंदर है, ऑल ओवर रिम लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर, सिल्वर कलर के अंदर है। खैर माशाल्लाह ज़बरदस्त गाड़ी है। और उसी के साथ यहाँ पे ये वाला जो गाड़ी है ना, ये है जी टोयोटा प्रियस हाइब्रिड का मॉडल। हाइब्रिड कार जो है ना, मैं अक्सर नोट करता हूँ क्योंकि मैं तो डिफरेंट ऑक्शन में जाता रहता हूँ, तो हाइब्रिड की गाड़ियाँ होती है ना वो नुखबा कार्स ऑक्शन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आती हैं। 2010 के ऊपर के जो मॉडल है ना हाइब्रिड के, उसमें कैमरी में भी आता है हाइब्रिड। और प्रियस जो है ना, अभी रिसेंटली जो लॉन्च की है टोयोटा ने, अभी यूएई के अंदर टैक्सी के अंदर जो है ना गाड़ियाँ वो भी हाइब्रिड की चल रही हैं, तो नुखबा कार्स ऑक्शन में आप लोगों को हाइब्रिड कार्स भी मिल जाएंगी। उसमें जो होती है ना फ्यूल कंजप्शन वो बहुत अच्छी मिलती है आप लोगों को, क्योंकि एक टैंक के अंदर आप लोग तकरीबन 1000 से 1200 किलोमीटर यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़बरदस्त है भाई। खैर आज ये गाड़ी देखते हैं। देखिए जो शेप है ना वो एक नेक्स्ट लेवल का है, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो ऑलॉय रिम लगे हुए हैं। हाइब्रिड तकरीबन जो होता है ना टोयोटा प्रियस के अंदर, उसका रिम ऐसा ही आता है तकरीबन मिलता जुलता। खैर यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर हमें ब्लू ब्लू जो शेड नज़र आता है ना, ये कौन सी गाड़ी के अंदर आप लोगों को ब्लू नज़र आएगा ना, वो हाइब्रिड हो गया। इट्स मीन खैर गाड़ी को जो पीछे से शेप है ना, बॉडी स्ट्रक्चर बनाया वो बहुत ही कमाल का और एक लेवल का बना रखा है। प्रियस का मॉडल है और इसका डैमेज की तरह से जस्ट ये दो डोर जो है ना वो बैंड है, ये भी रिपेयर हो सकते हैं लेकिन नए डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। गाड़ी लॉक है लेकिन अंदर से जो है ना गाड़ी मैं देखता हूँ वो साइड खुला हुआ है, मैं आप लोगों को उधर से दिखाता हूँ जाके। माशाल्लाह ज़बरदस्त गाड़ी है टोयोटा प्रियस, न्यू शेप है। आई थिंक ये गाड़ी जो है ना ये 2020 का मॉडल होगा अराउंड, मान के चलें तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और हाइब्रिड की ब्रांडिंग में यहाँ पर मिल जाती है साइडों में, और अंदर से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। माशाल्लाह ब्यूटीफुल इंटीरियर है गाड़ी का भाई, बेहतरीन लग रहा है। खैर स्मेल अंदर से सही है, नॉर्मल है। पुश स्टार्ट है गाड़ी और ये इस गाड़ी का गियर है, और गाड़ी का जो लेवल है ना भाई, अंदर से सिल्वर सिल्वर था और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बनाया। गाड़ी का जो कलर है ना वो बाहर से जो है ना वो वाइट पर्ल कलर के अंदर है, यूएई में बोलेंगे कि ये वाइट लुलू कलर के अंदर है। खैर माशाल्लाह ज़बरदस्त गाड़ी है। ये वाला जो मॉडल है ना ये अराउंड 2010-11 का मॉडल आया था टोयोटा प्रियस का, ये पुराना मॉडल है। और ये वाला जो है ना अभी 2020 का शेप जो है ना वो नया वाला शेप ये है। खैर मैं और कौन सी गाड़ी दिखाऊँ, ये कैमरी देखिए, यहाँ पे जो कैमरी है ना ये भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, आप लोगों को कैमरी भी मिल जाती है। और ये वाला गाड़ी मैं आप लोगों को दिखाने वाला था क्योंकि ये भी हाइब्रिड का मॉडल है, किया ऑप्टिमा का। किया ऑप्टिमा फुल ब्लैक कलर के अंदर गाड़ी जो है ना वो हाइब्रिड का अंदर है। अभी जो है अभी तक वो लोग गाड़ियाँ निकाल रहे हैं कंटेनर से, यहाँ पे देखिए ये लोग लगे हुए हैं और कंटेनर उधर लगे हुए हैं, और उधर से गाड़ियाँ निकाल निकाल के ये लोग जो है ना वो उधर सेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि कल बहुत बड़ा ऑक्शन होने जा रहा है अल नुखबा कार्स ऑक्शन के अंदर। खैर गाड़ी को मैं अगर आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ, ये ऑप्टिमा का मॉडल है जो कि ज़बरदस्त गाड़ी है माशाल्लाह। और जस्ट ये एक ग्लास टूटा हुआ है और हल्का फुल्का इसको मेंटेन तो करना पड़ेगा क्योंकि ये अमेरिका से आया। यहाँ पे देखें एक और प्रियस मिल गया हुआ नहीं भाई को, ये हाइब्रिड के मॉडल बहुत ज़्यादा लेके आता है नुखबा कार्स ऑप्शन आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी जो है ना फ्यूल इकोनमी को देखते हुए नुखबा कार्स ऑप्शन आप लोगों के लिए लेके आ रहा है हाइब्रिड कार्स। यहाँ पे जो नई भी कोई गाड़ी मिला है ना, ये भी किया का मॉडल है, गाड़ी जो है ना एक नेक्स्ट लेवल की है। और गाड़ी का जो कलर है ना भाई, फिर क्या ही बात है, ये के एस का मॉडल है। के एस तो वैसे हम लोग सऊदी अरबिया को बोलते हैं कि के एस है। और यहाँ पे गाड़ी की जो रिम है ना भाई वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और गाड़ी जो है सेम लाइक ब्रांड न्यू गाड़ी है, फुल पैनोरामिक सनरूफ लगे हुए हैं। और गाड़ी का जो अंदर से इंटीरियर है ना भाई वो बता रहे हैं, स्मेल दे रहे हैं यार ज़बरदस्त, क्या लग्जरी गाड़ी बनाया यार माशाल्लाह ज़बरदस्त है। और गाड़ी का गियर चेक करेंगे, ऐसा सेम लाइक जहाज़ होता है ना एरोप्लेन का जो होता है ना, वो सेम ऐसा ही बना दिया हुआ है, जो कि ज़बरदस्त गाड़ी लग रहा है। छोड़ो यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत पड़ी हुई हैं, इधर भी पड़ी हुई हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन कौन सी गाड़ियाँ दिखाऊँ आप लोगों को, लेकिन मैंने अभी एक दो गाड़ी शॉर्टलिस्ट करनी यहाँ से। यार ये वाला गाड़ी देखें भाई, गाड़ी का लुक चेक करें, बताती है कि यार मैं कुछ हूँ। लेकिन ये जो गाड़ी है ये इन्फिनिटी का मॉडल है, इन्फिनिटी और निसान एक ही कंपनी है, निसान पेट्रोल प्लाटिनियम के अंदर भी इसका मॉडल आता है, सेम गाड़ी होती है, लेकिन इसके अंदर जो ग्रिल शो वगैरह जो होते हैं वो डिफरेंस है, फ़र्क है। बाकी बॉडी इधर से देखते हैं तो निसान पाथफाइंडर निसान पेट्रोल प्लाटिनियम नज़र आती है, लेकिन सामने से देखेंगे तो ये इन्फिनिटी का मॉडल है। खैर माशाल्लाह ज़बरदस्त गाड़ी है, और इसी तरह ये सब गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, आप लोग आ जाएँ
और अपनी मनपसंद की गाड़ी यहाँ से लेके जा सकते हो। तो दोस्तों फाइनली जो है ना, मैंने गाड़ियाँ तो आप लोगों को बहुत दिखा दी हुई हैं। आई होप आप लोगों का आज का वीडियो जो है ना वो बहुत पसंद आया होगा। और बाकी जो है ना, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को और दे देता हूँ कि भाई बहुत से लोग जो है डरते हैं, मैंने पहले भी बताया, अभी फिर बता रहा हूँ कि भाई फ्री जो आप लोगों ने एंट्री देनी है, एंट्री फीस बिल्कुल नहीं होने वाला है। और आप लोगों ने फ्री में एंट्री दे के यहाँ पे गाड़ियों के बिट लगा के जब बिट विन करोगे तो आप लोगों को 20% जो पेमेंट है ना वो सेम टाइम पे देना पड़ेगा। बाकी का आप लोगों को 3-4 दिन का टाइम मिल जाएगा, 3-4 दिन के अंदर बाकी की पेमेंट आप लोगों ने देनी होती है। तो यहाँ पे गाड़ियाँ आप लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक गाड़ी, दो गाड़ी, कितनी भी खरीदनी चाहते हो नॉर्मली आप लोग खरीद सकते हो। और कुछ गाड़ियों की नुखबा कार्स ऑप्शन आप लोगों को गारंटी भी देता है कि गाड़ी का इंजन, गियर और चेसिस का गारंटी है। कुछ गाड़ियों का, हर गाड़ी का नहीं है। बाकी आप लोगों ने जब आना है अपने साथ कोई बंदा जो है वो कारीगर लेके आए जो कि इन गाड़ियों को जानता है, परखता है, जिसको थोड़ी नॉलेज है गाड़ियों के बारे में, और गाड़ी आप लोगों को डिसाइड करके वो गाड़ी को चेक करके पूरा बता देगा भाई ये गाड़ी ओके है या नहीं ओके। क्योंकि UAE के कुछ रूल हैं, कानून हैं, उनके मुताबिक गाड़ी का जो है ना वो इंजन, गियर और चेसिस वगैरह ओके होना चाहिए। बाकी नॉर्मल है, टेंशन नहीं। आप लोग ये बिज़नेस करके गाड़ियों का एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी कमा सकते हो और अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी गाड़ियां यहां से ले सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नहीं भी इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। डू टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।